हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक तीन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, जो बेसिक यूज़ के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। सेकंड, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड थर्ड, जो स्कूल स्टूडेंट हैं, ग्रामर नॉलेज हल्का वीक है। देखिए, थंबनेल से आपको टॉपिक तो क्लियर है। क्वेश्चन का सही फॉर्मेशन सीखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पे पकड़ बनाने को। सो हम बिना डिले किए प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन सिंपल हैं। ओके, डू या डस लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ऑब्जेक्ट है तो ठीक, वरना क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, राइट? चलिए इसी को देख लेते हैं। शी लाइक्स पेंटिंग, एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। अब क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। सबसे पहली चीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बहुत ध्यान से सुने। आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? अगर लिखा है, सेंटेंस को इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करें तो अलग बनेगा। अगर लिखा है फ्रेम क्वेश्चन फॉर द गिवन सेंटेंस तो अलग क्वेश्चन बनेगा। उससे पहले इंटरोगेटिव में कंफ्यूज नहीं होंगे, जिसे हम लोग इंटरोगेटिव या बोलते हैं, वही उसका सही प्रोनंसिएशन होता है इंटरोगेटिव। ठीक है, रॉ पे थोड़ा सा फोकस है। सो हम क्या बात कर रहे थे? यस, पहले का मतलब इसका टोन असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाएं। सीधी बोली बात को अगर क्वेश्चन में पूछना होता तो क्या बनता, ये बताएं। ठीक है, सेकंड का मीनिंग है एक सेंटेंस गिवन है जो कि आंसर है। अब इसके लिए ऐसा क्वेश्चन बनाएं जो कि पूछा जाए अगर तो यही सेंटेंस आंसर में आए। क्लियर? अब दोनों को एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। शी लाइक्स पेंटिंग, जब आपको सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, एस या ई एस लगा हो, या खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, राइट? अब इसका जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन का, वो स्टार्ट होगा डू या डस से। याद कर लीजिए किससे स्टार्ट होगा, डू या डस से। ठीक है, अच्छा, अगर ज़्यादा डाउट हो तो एक बार ये वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स हैं इसके रिगार्डिंग, जो कि आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट ग्रामर इन हिंदी नाम से मिल जाएगा। ठीक है, शी सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगेगा, तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा डज शी लाइक। अच्छा, लाइक्स नहीं, क्यों? क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी एस ई एस लगने पे डज बनता है। दैट मीन्स हमने ई एस ऑलरेडी लगा दिया एक हेल्पिंग वर्ब के साथ, अब बार बार ई एस नहीं लगाएंगे। फिर से आई एम रिपीटिंग, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, डज, फिर सब्जेक्ट शी, देन वर्ब लाइक, और फिर ऑब्जेक्ट है हमारे पास पेंटिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, डज शी लाइक पेंटिंग। दूसरा देख लेते हैं, उसे पेंटिंग पसंद है, कब आएगा ये आंसर? ऑब्वियसली जब पूछा जाए उसे क्या पसंद है। क्या मींस व्हाट? डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस का फॉर्मेशन क्या होता है? वेरी सिंपल, सेम वही फॉर्मेशन रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, जैसे देखिए, डज हेल्पिंग वर्ब था, फिर सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था, राइट? अब डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे स्टार्टिंग में, तो क्या बन जाएगा? व्हाट और फिर डज शी लाइक। ऑब्जेक्ट हमने क्यों रिमूव किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो आंसर की तरह आएगा। ठीक है, व्हाट डज शी लाइक बन गया क्वेश्चन। अब अगर ये कन्फ्यूजन है कि डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा आएगा, तो जो गिवन वर्ब है, जो आंसर का सेंटेंस है, उसमें जो वर्ब गिवन है, ऐसा क्वेश्चन कीजिए उस वर्ब से कि जो ऑब्जेक्ट है वो आंसर में आए। ठीक है, डब्ल्यू एच कौन कौन से वर्ड होते हैं? हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, बस। फिर उसी वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, जैसे देखते हैं, शी लाइक्स। अब वर्ब से क्वेश्चन कीजिए, शी लाइक्स, लाइक्स व्हाट? पेंटिंग आंसर आ रहा है, पर अगर आप पूछते शी लाइक्स, लाइक्स व्हेन, तो व्हेन का आंसर तो पेंटिंग नहीं आ सकता। ठीक है, शी लाइक्स व्हाई, क्यों? क्यों का आंसर आप क्या देंगे? पेंटिंग? नो, क्यों में आता, क्योंकि ये उसकी हॉबी है। ठीक है, ओके, अब आंसर करना देखते हैं। मान ले सेंटेंस से क्वेश्चन तो हमने बनाया ही नहीं, क्वेश्चन पहले से थे हमारे पास। ठीक है, चलिए आंसर करते हैं। सो हमारे पास दो क्वेश्चन थे, डज शी लाइक पेंटिंग क्वेश्चन मार्क, और दूसरी तरफ था वो डज शी लाइक
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, पर सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, आंसर्स हमेशा स्टार्ट होंगे सब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट है तो वेरी गुड, देन फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, वो आ गया। देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू और डज कभी भी असर्टिव सेंटेंसेस में, कहने का मतलब सिंपल सेंटेंसेस में डू और डज नहीं लगाते हैं। डू और डज लगाना मीन्स स्पेशली किसी चीज़ को फोकस करना। येस आई डू लाइक पेंटिंग, दैट मीन्स समथिंग डिफरेंट, हम इस पर किसी और दिन बात करेंगे। अगर आप सिंपली कहना चाहते हैं कि उसे पेंटिंग पसंद है, डू और डज नहीं आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब को तो छोड़ ही दें, ठीक है, ये हट गया। सब्जेक्ट शी हो गया, वर्ब कौन है, लाइक। अब लाइक में वापस एस लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि देखिए अभी तक जो एस और ई एस है ना, वो बेचारा रेंट पे रह रहा है, ठीक है, उसे कोई ना कोई लैंडलॉर्ड चाहिए रेंट पे घर देने को। इतना देन डू के पास रेंट पे था ई एस, अभी डू और डज ने तो घर ही छोड़ दिया ना, आई मीन शहर ही छोड़ दिया, हेल्पिंग वर्ब तो गायब ही कर दिया ना हमने, तो ई एस वापस आ जाएगा वर्ब के पास, तो हो जाएगा शी लाइक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पेंटिंग, शी लाइक्स पेंटिंग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको कितना समझ में आया है ये चेक करने के लिए, जो असर्टिव सेंटेंस मैं आप लोगों को दूंगी उसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में करना है, और वो असर्टिव सेंटेंस वीडियो के एंड में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस हैं तो उनमें तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले आएंगे, वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट है तो ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि शी इज पेंटिंग द वॉल, राइट, दो क्वेश्चन बनेंगे वापस, एक तो इसी को इंटरोगेटिव बनाना है, दूसरा इसका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन इज, सब्जेक्ट कौन शी इज, शी वर्ब कौन पेंटिंग, देन ऑब्जेक्ट इज शी पेंटिंग द वॉल, क्वेश्चन मार्क। पूछिए शी इज पेंटिंग, पेंटिंग वॉट, पेंटिंग द वॉल, ठीक है, तो वॉट से स्टार्ट होगा, वॉट, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, वॉट इज शी पेंटिंग, वॉट इज शी पेंटिंग, और आंसर आएगा शी इज पेंटिंग द वॉल। क्वेश्चन से आंसर बनाने के लिए दो क्वेश्चन है हमारे पास, इज शी पेंटिंग द वॉल, दूसरी तरफ वॉट इज शी पेंटिंग, वही वापस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंसेस, आंसर्स, असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा स्टार्ट होंगे सब्जेक्ट से। शी सब्जेक्ट आ गया दोनों में, हेल्पिंग वर्ब इज गिवन है दोनों में, वर्ब पेंटिंग है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास द वॉल है, और एक वॉट वाले में हमें खुद आंसर करना है, बन गया शी इज पेंटिंग द वॉल। अब प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज पेंटेड द वॉल, हेल्पिंग वर्ब कौन, हैज स्टार्टिंग में ले आइए, सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, हैज शी पेंटेड द वॉल, क्वेश्चन मार्क। अब शी हैज पेंटेड, पेंटेड वॉट, क्वेश्चन विल स्टार्ट विद वॉट, वॉट हैज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, वॉट हैज शी पेंटेड, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ वेरी लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, शी हैज़ बीन पेंटिंग द वॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अभी तक वॉल को पेंट कर रही है। सो अच्छा, इसमें क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज है एक बीन है, याद रखेंगे दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा, हैज़ बीन शी नहीं होता, हैज़ शी बीन, ठीक है, बी बीन बींग, ये तीनों वर्ड्स हमेशा बीच में रहेंगे। सो हैज़ शी बीन पेंटिंग द वॉल सिंस मॉर्निंग, Has she been painting the wall since morning? क्या वो सुबह से पेंट कर रही है, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा, she has been painting since morning. What? क्या पेंट कर रही है सुबह से, What has she been painting since morning? What has she been painting since morning? क्वेश्चन मार्क, क्या पेंट कर रही है, आंसर सेम उसी पैटर्न में जो हम करते आए हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के डिटेल क्वेश्चन फॉर्मेशन देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो आपको मंडे तक मिल जाएगा। पास्ट ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, प्रेजेंट से ग्रामर में भी, मेमोरीज में भी, सो वो वीडियो मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन,
Until then, take care, practice as much as you can. Do not forget to frame a question for this sentence. And your sentence is, they play golf. Full stop. चलिए फटाफट क्वेश्चंस बना दीजिए. अगर आप इस वीडियो को बाद में कभी देख रहे हैं और ये मंडे को दूसरा वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस के भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मेशन वाला वीडियो मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.